Hey guys, pranam and welcome to my channel Reaction Girl Moon. So guys, आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द वीडियो देसी क्रिकेट. ओके तो गाइस चलिए, और ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ. पहले वीडियो को देख लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ. बट उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है. और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टा पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए. मेरा इंस्टा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके चेक कर लेना एंड मुझे फॉलो भी कर लेना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. के पैसा रे? एंट्री फीस ना दे भाई, हमारे लगे एक रुपया नहीं खे, हमने के दे देनी 600 रुपया. दही तू हो तो तुम्हें पापा पकौड़ी बेच लो. हमारे पापा थोड़ी पकौड़ी बेच लो. पापा ना कमा लो? हमारे पापा बाहर रह लो. ए तो बाहर रह लो तो ना कमा लो? ई नहीं की जानत कमा लो कि ना कमा लो, लेकिन बाहर रह लो. हमारे लगे पैसा ना आवे. तू कप्तान भरे तो 500 ना देबे? हमारे पास पैसा नहीं के ना देबे. कोन बात बोले? रह दे ई ना दे तू पैसा, चल साला तू तो जिंदगी भर भिखारी रह. बंटी का हो बोल साला, तू बड़ा सुंदर लगा तेरे. ओ थैंक यू, शुक्रिया. एक बात कही किसे भी ना हम कहे किसे बोल ना. अगर तू लड़की रहते तो हमसे पटते कि ना? री साला री खिसियात का लबा रे, पूछनिया हुआ पढ़ते कि ना पढ़ते बताओ ना रे साला. अगर लड़की रहती ना तो तोरा नहीं और 5-7 को रख ले रहती. ओ एकरा मतलब तू रंडी रहते ना. रे साला तोरा के हम कथी करनी हो कि मरले रे साले? तू हमरा के एमए के या ओमे के बुझा दे. काठी बारे रे साला, काठी मारे रे. एकरी महत्ता आरी के पेट्रोल बा महंगा. अरे यार अरे 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 मुझसे पहले लड़ाई शुरू हो. क्या लगा कर रे? उस साला गंदा गंदा बात करता है. कौन गंदा बात कह लगा? तू ही जाके पूछो उकरा से. ए मनिया कौन गंदा गंदा बात कह लगा रे? अरे काठी बोल नहीं है साला से पूछ. हम बोल नहीं है कि अगर तू बंटी इतना सुंदर बड़े अगर लड़की रहते तो हमारे से पढ़ते कि ना, तो साला कथी कहता कि तोरे से कहती हम साला हमारा लगे 5-7 को भतार रही. साला 5-7 को यार रखी तो साला उ छियतरी ना रही. आज साले के फाड़ दे, आज मैच मैच में रह जाई आज. फुट ए रुक साला, कोनो साला कोनो के कुछो ना बोले. बैठ ला सा. हट काय दे रे, हम दाई किन के देले हम. ए साला चल जल्दी से, मैं सुनो वाला ये साला अपने में कट के मर दे. और यहाँ पे हमारे साहेबगंज के टीम पहुंच चुके हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और वो देखिए चकिया की भी टीम पहुंच चुकी है, देखिए कैसे खेते खेते एकदम दौड़ते. वाह रे वाह, क्या बात है. आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. और यहाँ पे मनी मेराज जी सबसे आगे और बहुत ही आक्रामक मूड में लग रहे हैं. वाह वाह क्या बात है. तो चलिए दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपने अपने कैप्टन को बीच में भेजे, क्योंकि टॉस की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेंगे हम लोग. तो चलिए मनी मेराज जी. कप्तान हम नहीं है, हाई है कप्तान. लेकिन मुंह कप्तान बन जालीस, जो टॉस कर. तो हमारे पास यहाँ दोनों टीम के कैप्टन और साथ में उनके खिलाड़ी भी पहुँच चुके हैं, तो चलिए टॉस की प्रक्रिया को शुरू करते हैं. तो सिक्का सिक्का तो ना बा जी, सिक्का और ऐसा यार टॉस करने के लिए एक सिक्का भी नहीं है. तो रोका एक उपाय बा, और चप्पल से हो जाए जी. बहुत बढ़िया डिसीजन आपका. तो चलिए इसको फेंकते हैं उल्टा की सीधा सीधा. चलिए और यहाँ पे चप्पल उल्टा होता हुआ. तो यहाँ पे साहेबगंज ने टॉस जीत लिया है, तो आप क्या कीजिएगा? बॉलिंग फर्स्ट. बॉलिंग करेंगे तो चलिए चलिए टीम सजाइए, टीम सजाइए. चलिए बहुत ही खुशी का माहौल. और यहाँ पे आए मनु भाई, तू जो आए मनिया तू जो दोनों गोरा और के खेलिए ठीक से, समझ ले. साहब सुन सुन सुन, एगो हाजीपुर के खिलाड़ी अल बा बहुत खतरनाक खेलेला, छक्का चौका मारेला बहुत ही, ओकरा के अपना टीम में रख ले. जल्दी जल्दी अपना अपना फील्ड सजाइए, लेट हो रहा है बहुत ज्यादा. यहाँ पे देखो तो कितना मूड झूठ बा साला, बड़का बड़का छक्का मारल हो, कबो कबो मार के बोले भुला दे. तो ओकरा के रखला तो कोनो के हटावे के न होई, हट जाई जीते से न मतलब हमनी के.
केकरा के हटाई। सबके नजर मनी मिनाज भैया के ऊपर ही है। बैठ जाई। हां काहे रे ए बाहर के खिलाड़ी है बढ़िया खेल रहे तो हम का बैठिए के बैठा काहे ना बैठबे तू पैसे दे ले का तो तू पैसा दे ले तो साला तू खेलबे तो खेलम ना साला हम टीम में रहले हमेशा हम खेलम ना खेलबे तू तू जाना तारे बेसी बोलबे ठीक बा हम ना बोलम कप्तान जो बोलते सो मानबे ना तू कप्तान झाट के कप्तान बे हम हट साला तू ना खेलबे भाग गया ना खेला साले कप्तान का झाट बनत ए जा दे साला के उहे बड़का रहे चल तो मैच स्टार्ट होने में बस कुछ ही लम्हा बाकी है और बस कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा आप लोग दिल थाम के बैठिए का बेलो काहे ने आके खड़ा हो गेला ए हटा देला का सरो के बेटा से काहे निकाल देला का हो ए दोगला बा साला से पैसा ना देनी है एंट्री फीस नु साला निकाल देला देख के जोरा ले तोरा के देख के काहे जोरा ले सा हम पढ़ा लिखल बहुत बनी नु पढ़ा लिखल बा रे हां त तू त गेम खेल के मर दे पैसा कमा पढ़ा लिखल तो बढ़ले बड़ा इंपायरिंग कौन लेब अरे बढ़िया से गण फर के आव सबके जा जा हम मानी कोनो कुछ बोली तो हम समझ लेम जा हाँ रे कथी कर अली हरे लौकत ना हो साला इंपायरिंग करे नहीं चलो ने जो जो ने जाओ रे चल भाई बोलो कराओ और अपने ओवर की पहली गेंद लेके रियाज चल चुके हैं तो रियाज जी का पहला गेंद और यहाँ पे रियाज जी ने बॉल फेंका और यहाँ पे वाइड तो इंपायर का डिसीजन अभी तक नहीं आया है वाइड है तो वाइड नहीं है अरे साला इंपायर से तू ज्यादा जानता है रे बॉल कराइए और यहाँ पे लेके चलेंगे अपने ओवर की दूसरी गेंद और ये दूसरी गेंद और यहाँ पे आउट की बहुत ही जोरदार अपील लगता नहीं है कि आउट है और इंपायर का डिसीजन आउट अब आउट हो अरे साला ये आउट है और दूसरी ही गेंद पर हाजीपुर के खिलाड़ी चाट के उजर हो गए तो चलिए चाटते हुए रे साला रे आउट है बैट में ठेकबे ना करिए तू आउट दे दे साले चुपचाप खड़ा रहा ना तो साले खरे खरे आउट दे दे लाल चाट के कड़िया हो जाए वो हमारे इंपायर पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला अच्छा तो गेम से निकाल दिया ना उसी का ये बदला ले रहे हैं और पिच पे आ चुके हैं मुन्ना जी तो मुन्ना जी को फिटला के नाम से भी जाना जाता है और पेट दिखा दिखा के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बैटिंग के लिए तैयार और रियाज जी अपनी पहली बॉल लेके चले और रियाज जी ने बॉल डाली और ये मैं क्या देख रहा हूं उठा दिया इन्होंने और ये 6 रन क्या बात है छक्का दही और अगली बॉल लेके चल चुके हैं कोयला महाराज और इस गेंद पे मुन्ना ने जड़ दिया है छक्का फिर से चौका और छक्का शाबाश मुन्ना ओ भाई काथी बॉल कले बरम खाली छक्का चौका तो मारा था ओकरा बाजा पर मारा ओका बड़का बाजा बाजा पर मारा बाजा फरस साले और यहां पे साहिबगंज के कैप्टन अपनी पहली बॉल डालेंगे और मुन्ना ने मार दिया है और रन लेने की कोशिश और यहां पे और ये आउट पैसे आउट बनी रे बॉल उठा के दे देले तो हमरे चुतिया बुझत रे ए दादा बोलबे साला इंपायर से बतियागा ए फौजी रे साला बॉल उठा के दे देले हम देखनी है ना आ तू कहता रे आउट है अगर इंपायर के सामने अगर बॉल आवे तो सीधा इंपायर उठा के फील्डर के दे सकेगा समझ ले नियम लग ले ना जाके पूछ ले जाके वो कमेंटेटर से ए हम आउट ना बनी कह दी नहीं आउट नहीं कि हम ना दे आउट ए तू साला आउट ना होबे साला आउट बड़े आउट देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं अगर इंपायर से आप लोग धक्का मुक्की कीजिएगा तो 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा और समोसा लिट्टी कुछ नहीं मिलेगा नाश्ता में आप लोगों को समझे निकलिए बाहर चल साला कितना गाल खेली सर जीती थोड़ी है सर और अगली बॉल के लिए तैयार और इन्होंने बॉल को डाला और यहाँ का जोरदार अपील अपील तो बहुत ही जोरदार है लेकिन इंपायर का डिसीजन आना भी बाकी और इंपायर अपने जाते हुए वहां पे और जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है और इंपायर यहाँ पे निर्णय लेंगे और यहाँ पे आउट का डिसीजन आ चुका है इंपायर की तरफ से वाह कारे आउट बनी हम
जो 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 आउट बड़े जो अच्छा ठीक बा चल तोरा के घर ही देखत नहीं जो रे साला काख में आपको मुआ देबो जो। और यहाँ पे न्यू बैट्समैन आए हैं मुख्तार आ रहे हैं, तो मुख्तार आने के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और एक कैच आउट। अरे एम्पायर के पकड़ला से कैच आउट हो गए प्लेयर। तो सारों के कौन कॉल है एम्पायर लगे मारेला, जो आदमी खा रहा है पकड़बे करते आउट है। और अगली गेंद लेके चल चुके हैं कोयला महाराज, और कोयला महाराज ने पेटू बाबू के लिए फेंका और पेटू बाबू आउट। और हमारे नए बैट्समैन आए हैं करण गुप्ता, करण गुप्ता के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद को इन्होंने उठा दिया है और चांद ने किया खैचा में आउट। और ये कैसे फिर से खैचा में लोग लिया, ये कैसे तो चमत्कार हो गया। यहाँ पे हमारे एम्पायर कुछ और भी दिखाना चाहते हैं, और है क्या डबल आउट। ये डबल आउट किस लिए दे रहे हैं समझ में नहीं आया मुझे। डबल आउट कैसे रे, ये वो कैच आउट भेलौ। हां आउ हिट बिगर तोर बाप मर लई है, तो साले इने गाड़ी तू बारे तू आउट ना हो तो कौन होतै, हम आउट होई। चल आउट हो रे, चल निकल। अरे यार कितना चीटिंग। और यहाँ पे अगली गेंद लेके रियाज जी चल चुके हैं, रियाज जी ने बॉल को डाला और सैफुल ने सीधे बॉल को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। और फिर से अगली गेंद रियाज की और इस पे बोल्ड। और यहाँ पे चकिया की टीम ने बनाए हैं 76 रन, और 76 रन पे 10 विकेट, तो चकिया की टीम ऑल आउट हो चुकी है। और साहेबगंज को जीतने के लिए चाहिए 77 रन। तो हमारे ओपनर निकल चुके हैं काजू जी और गुड्डू जी, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है साहेबगंज का। पहली बॉल लेके चल चुके हैं सैफ, और सैफ ने बॉल डाला और बोल्ड, कैप्टन बोल्ड। आउट ना दिले। ये कैसा आउट है? और सैफ दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, और दूसरी गेंद डाला और ये भी बोल्ड। और यहाँ पे सैफ अपनी अगली बॉल डालेंगे, और इस बॉल पे इन्होंने जड़ दिया है छक्का, तो 6 रन, और एम्पायर का डिसीजन भी 6 रनों का। और सैफ की अगली गेंद, और यहाँ से जोरदार प्रहार, बंटी ने दोनों हाथों से मुठियाया गेंद को, और यहाँ आउट। लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना अभी भी बाकी, और एम्पायर ने डिसीजन बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और ये मार दिया है रियाज ने उठा के, और ये बहुत ही लंबा विरोधी के गार के बीचों बीच पूरा फाड़ते हुए 6 रन। तो ये 6 रन है। एम्पायर इतना उछल क्यों रहे हैं, कूद क्यों रहे हैं? क्या ऐसा उछलता है? अरे तो डबल छक्का है, वाह 12 रन ऐड कर लीजिए, 12 रन। ए पति के डबल छक्का दे लिए तू रे, लौकलाओ ना बॉल कितना दूर गिर लिया। ए साला कोनो मैच में डबल छक्का होकल है रे, तू नहीं जाना ना। हमारा फुआ के ने इतना बड़का बड़का छक्का मारा लेनु, तो को डबल छक्का दिया ले, जाके पता कर ले। हाँ तो अपना फुआ के जाके एम्पायरिंग कर, ये तो ना चलता हूँ। तू करबे काथी रे, डबल छक्का देनी है काथी करबे, मरबे का एम्पायर के तू मार देबे रे साला। तू बारे कथी रे, एसपी बारे कि साला हमनी के डराएं साला, एम्पायर बा एम्पायर जैसा रह रे साला। गाल खेले के बहुत होकल है, कोनो देश में चाहे कोनो टीम में साला डबल छक्का ना होकल है, नो बॉल होकल है। हां छक्का कैसे हो जाले बिना बॉल के, तो नो बॉल रहल है। कितना बार का मरल है, डबल छक्का दिया तई बॉल काथी करे चाहत रे तोनी का, ए ना दिया तई छक्का, ए ज्यादा बोल मत समझ ले, नहीं तो तीन गो छक्का दे देबो एक के बार में। एम्पायर ना रहे, नो बॉल ग्रेट। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, एम्पायर का डिसीजन नो बॉल का और फ्री हिट, वाह क्या बात है। और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन माना जाएगा, और इस बॉल को फिर से डालिए। बॉल का आएगा, और कोची के फ्री हिट है, कोची के फ्री हिट है रे साला के नाती। माथा पर मरी है, माथा पर। मार के तू भुजिया बना दिया है। बंडी भाज देगा, हम चला हम ईश्वर की अगे याद आशा बता घरे जाइब साले। अरे बे तोरा साथे ने साथे ने जाए और सबको मानना पड़ेगा, तो चकिया यहाँ से गांड फुला के जाते हुए। और साहेबगंज यहाँ पे बहुत ही अच्छे रनों से जीत चुकी है, बहुत। Oh, my God.
साहेबगंज ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है और चकिया का टीम निराश हो गए यहाँ से जाते हुए। बड़ी सम्मान दे के गई है चकिया की टीम, धन्यवाद। सर वो केले से बोला था। ओ कमेंटेटर भाई, आज के दिन बहुत अच्छा गेंदबाजी, अरे ये तो टेबल के नीचे अच्छा बल्लेबाजी हुआ। अफसोस इस बात का है कि चकिया की टीम हार गई और एम्पायर का डिसीजन सर्वमान डिसीजन माना जाएगा। ओ भाई, ओ आइलैंड कप का हुई, वर्ल्ड कप बस रहो तनी नीमन से बोलो। रख लो, चकिया के हराए में तो ज्यादा योगदान हुआ, रख लो। तो आज के मैन ऑफ द मैच मणि महाराज जी को मिलेगा। तो मणि जी आप है मैन ऑफ द मैच, कुछ कहिए। ओकर नानी के बेटी के बेटा के मतारी के पतो के बहिन से ब्याह। वाह मणि जी वाह, मैन ऑफ द सीरीज भी ले जाइए। और दो शब्द बोले थे आप, चार शब्द बोले, उसमें एक शब्द आउट जोड़िए। अगर आप भाई के कौन और बहिन होके तो मेरा सेटिंग कराइए। सच में गाइस, मैं जब भी मणि महाराज भैया का वीडियो देखती हूँ ना, तो मतलब मैं हंस हंस के थक जाती हूँ। ठीक है, मतलब इतना फनी रहते हैं ना भैया का स्टोरी, मतलब जितना भी भैया का वीडियोस रहते हैं, मतलब इतना फनी रहते हैं, मैं क्या बताऊँ यार। तो बहुत ही फनी था आज का ये वीडियो भी। मतलब मणि महाराज भैया आपको मैच से निकाल दिया, तो उसका बदला कैसे लिया वो आप लोगों ने देखा। तो कुछ भी हो गाइस, वीडियो देख के पूरा मजा आ गया। तो आप लोग को ये वीडियो देख के कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना। और जितना हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक न्यू टॉपिक के साथ, ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।